हे गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं हूँ संजय, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक स्पेस सपोर्ट। तो दोस्तों, बहुत सारे भाइयों के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि गैलरी वर्जन में वीडियो लेके आओ, गैलरी वर्जन में सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि गैलरी वर्जन में सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, गैलरी वर्जन पे लेवल कैसे ऐड करें, गैलरी वर्जन पे क्लेम रिलीज कैसे करें और साथ ही रेवेन्यू रिपोर्ट कैसे देखें। तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है। और जिस भाई को ऑनलाइन म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए वो मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर देना, आपको यहाँ पे ऑनलाइन म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ प्राइस लगेगा आपको, उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड मिलेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट सॉन्ग अपलोड करना है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये पूरा प्रोसेस अपने लैपटॉप पे दिखाऊंगा ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। आप ये पूरा प्रोसेस अपने मोबाइल के अंदर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत ना आए। तो चलो वीडियो को। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने यहाँ पे लैपटॉप पे। तो हमें यहाँ पे गैलरी वर्जन पे आपको यहाँ पे सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे दिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पे एक एक स्टेप यहाँ पे बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आपको यहाँ पे पूरा ट्यूटोरियल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले सर्च बार में क्लिक करना है, यहाँ पर सर्च करना है गैलरी, GALLERY, गैलरी विश वर्जन। देख सकते हो यहाँ पर, इसको जैसे आप यहाँ पर सर्च करोगे तो यहाँ सबसे ऊपर एक वेबसाइट आएगी, गैलरी वर्जन देख सकते हो यहाँ पर। तो हम यहाँ पे इसको सिंपली ओपन कर लेना है। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट दिखेगी, बट आपको यहाँ जो सबसे ऊपर दिख रही है इसको यहाँ पर इस तरह क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो थोड़ा वेट करना है और यहाँ पे इसकी जो साइट है वो खुल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो सेल योर म्यूजिक सर्विस देख सकते हो यहाँ पे, राइट मैनेजमेंट, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, म्यूजिक पब्लिशिंग और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम यहाँ पे देख सकते हो म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करना है, देख सकते हैं। जैसे लॉगिन पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले से यूजर नेम पासवर्ड ऑटोमेटिक लग चुके हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरी जो डैशबोर्ड की आईडी है वो यहाँ पे खुल जाएगी, पूरा गैलरी वर्जन का डैशबोर्ड यहाँ पे खुल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे अपना जो गैलरी वर्जन का डैशबोर्ड है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। दोस्तों देख सकते हो मेरी आईडी यहाँ पे खुल चुकी है। अब आपको यहाँ पे सॉन्ग रिलीज करना सिखाऊंगा। उससे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो, पहले मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तो अभी तक लेटेस्ट, यानी कि अभी तक मैंने कुछ भी यहाँ पे सॉन्ग अपलोड तो कर दिया बट वो अप्रूवल नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे जैसे रिलीज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, देख सकते हो। रिलीज पे यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो जो सॉन्ग आपने यहाँ पे रिलीज किया है अपलोड करने के लिए वो आ जाएंगे। देख सकते हो मेरा अभी तक ये पेंडिंग में है, आज ही अपलोड किया था इसलिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो न्यू रिलीज और न्यू कम्पलेशन, इम्पोर्ट रिलीज, फ्री डाउनलोड और यूट्यूब साउंड क्लाउड। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऑप्शन है, यूट्यूब साउंड क्लाउड पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे चैनल आपको ऐड करने के लिए बोलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो न्यू अपलोड पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ से अपने जो सॉन्ग अपलोड करोगे उसको ये यूट्यूब पे इनडायरेक्ट कर देगा, यानी कि डायरेक्ट वहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, आपको वहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हो मैंने यहाँ पे जैसे किया ये अपने आप वहाँ पे अपलोड हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आता हूँ तो यहाँ पे और ऑप्शन दिखाई देगा आपको, यहाँ पे प्रमोशन, यहाँ पे लेबल और आर्टिस्ट। तो जैसे आप इसको शुरुआत में यूज करोगे तो यहाँ पे लेबल ऐड नहीं रहेगा, तो यहाँ पे लेबल पे ऐड क्लिक करना है। और यहाँ पे लेबल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लेबल ऐड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे मेरा लेवल ऐड कर रखा है, इसको यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐड न्यू लेवल पे क्लिक करना है। जैसे ऐड न्यू लेवल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह यहाँ पे लेवल नेम डालना है, जो भी लेवल नेम रखना हो, और वहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, कंट्री डालना है, वेबसाइट डाल देना है, जैसे यूट्यूब चैनल की डाल दी, यहाँ पे फेसबुक की डाल देना है। ये ज़रूरी नहीं है आप डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते। ओके, यहाँ पे इमेज डाल देनी है अपना फोटो। यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करना है कि कौन सा है, जैसे जिस टाइप का सॉन्ग हो वो यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीशन लेवल, यस या नो, और यहाँ पे बायोग्राफी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे करेक्ट लेवल पे क्लिक करना है। तो मैं अभी यहाँ पे लेवल नहीं बना रहा क्योंकि मेरा लेवल यहाँ पे ऑलरेडी बना रहा है ठीक से,
ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपको यहाँ पे सॉन्ग अपलोड करना सिखाता हूँ। उससे पहले आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आर्टिस्ट चैनल वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन इसमें है, तो यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम रिमूव भी यहाँ पे खुद से कर सकते हो। और यहाँ पर रिपोर्टिंग पे यहाँ पे देख सकते हो, रिपोर्टिंग पे जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो एनालिटिक पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे एनालिटिक पे आपको यहाँ पर जो भी आपकी इनकम होगी यहाँ पे देख सकते हो, टोटल रिव्यू यहाँ पे डाउनलोड से कितनी हुई, स्ट्रीम से कितनी, अलग अलग आपको यहाँ पे अपना पेमेंट दिखाएगा, रेवेन्यू जब भी जनरेट होगी आपको यहाँ पर सब दिखाएगा। अभी मेरा नया ही मैंने क्रिएट किया है तो अभी तक अभी कोई भी यहाँ पर रेवेन्यू नहीं आई है। तो दोस्तों आप यहाँ पर नई रिलीज पर क्लिक करना है। जैसे आप नई रिलीज पर क्लिक करोगे तो हमें यहाँ पर अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे फोटो पे क्लिक करना है। दोस्तों आपको फोटो यहाँ पे 3000x3000 के साइज़ में रखना है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कैसे रखना है, तो मैंने उसके पहले से ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेक कर लेना। उसी तरह आपको यहाँ पे इसका कवर आर्ट बनाना है, यानी कि इसका बैनर बनाना है। तो उसको किस तरह यहाँ पर लगाना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपकी फाइल खुलेगी, तो उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे वो फोटो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हो मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह यहाँ पे आ गए हैं, देख सकते हो इस तरह फोटो अपना लग चुका है। उसके बाद यहाँ पे अपना सॉन्ग की पूरी डिटेल यहाँ पे भरनी है। तो क्या क्या भरना है, लेबल, लेबल में आपको शुरुआत में यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी लेबल हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी नंबर तो आपको किस तरह डालना है, जैसे अपना लेबल का नाम है, जो भी नाम हो उसको इस तरह लिख के, और यहाँ पे 02, मेरा 01 था पहला सॉन्ग, यहाँ पे 02 कोई सा भी आप नंबर लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते, उसके बाद यहाँ पे टाइटल, जो भी टाइटल हो वो यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मेरा टाइटल है उसको मैं डाल देता हूँ, मैंने डाल दिया देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है तो आर्टिस्ट, जो भी आपका आर्टिस्ट है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आर्टिस्ट लगाना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लेना है, देख सकते हो इस तरह। अगर और दूसरा आर्टिस्ट लगाना चाहते हो तो इस तरह क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से इसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर फिर लगाना चाहते हो तो यहाँ पे नीचे आएगा, इस पर क्लिक करके आप फिर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप नया आर्टिस्ट हो तो यहाँ पर देख सकते हो वेरियस आर्टिस्ट पर क्लिक करके नया ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर रिलीज टाइप, तो यहाँ पे इस तरह क्लिक करना है, और एल्बम है तो एल्बम और सिंगल है तो सिंगल, तो यहाँ पे एल्बम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीशन, तो यहाँ पे नोए रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूपीसी कोड, अब यहाँ पे अपने आप जनरेट होते हैं, ईएन कोड भी अपने आप जनरेट होते हैं, फॉर्मेट सीडी है, डिजिटल है, जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी जनरल, तो यहाँ पर इस तरह क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो, मैंने यहाँ पर वर्ल्ड सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पे वर्ल्ड सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बंडल प्राइस, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्राइजिंग रखना है, आप यहाँ प्राइस भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे जो भी प्राइस हो अपने हिसाब से। यहाँ पे सी लाइन, तो यहाँ पे सी लाइन में इस तरह रखना है, देख जैसे इस तरह लिख के अपना यहाँ पे लेबल नाम डाल देना है, इस तरह देख सकते हो। यहाँ पे बी लाइन में भी इसी तरह लिखना है, जैसे इस तरह लिख के यस लिख के, उसके बाद यहाँ पे अपना यहाँ पे नाम डाल देना है। लेबल नाम भी डाल सकते हो आप, अपना नाम भी डाल सकते हो। यहाँ पे ब्राइटन का नाम लिख देना है और यहाँ पे पब्लिसिट का नाम लिख देना है, तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, देख सकते हो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे पब्लिश बाय, यहाँ पे उसी का नाम डाल देना है जो भी आपका नाम हो, देख सकते हो इस तरह। और यहाँ पे प्रोडक्ट बाय, यहाँ पे भी अपना नाम डाल देना है जो भी नाम हो। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज, किस टाइप का आपका सॉन्ग है लैंग्वेज, तो वो सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसा जैसे मैं यहाँ पे हिंदी सॉन्ग अपलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पे हिंदी सॉन्ग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे इस तरह। यहाँ पे एक्सप्लिट लिरिक्स, तो यहाँ पे नो कर देना है। एक्सप्लिट आर्ट वर्क, तो यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्टार डेट, तो यहाँ पे स्टार डेट सेलेक्ट कर देनी है।
किस तरह सेलेक्ट करनी है देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे इसको नो रखना है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो और यहाँ पे वर्ल्ड वाइज रिलीज करना है। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पे जो भी आप जहाँ पे भी अपना सॉन्ग को अपलोड करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट लिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्रिएट लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक सेकंड, जैसे मैंने क्रिएट लिस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कैटेगरी नंबर यहाँ पे गलत बता रहा है, तो आप यहाँ पे और सेलेक्ट कैटेगरी नंबर यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट लिस्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे सब यहाँ पे डिटेल्स फिल की तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इस तरह यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इस तरह पूरे को चेक करके यहाँ पे नीचे आना है सेव मेक फाइल। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रैक पे क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने को ट्रैक यहाँ पे देख सकते हो इस तरह ऑप्शन आएगा एड न्यू ट्रैक, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे भर देनी है, जो भी टाइटल था आपका वो यहाँ पे डाल देना है, सेम वही टाइटल यहाँ पे डाल देना है। देख सकते हो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे मिक्स नेम, यहाँ पे अगर कोई भी नाम मिक्स करना चाहते हो तो यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रिमिक्सर है तो उसका नाम डाल देना है और यहाँ पे आर्टिस्ट अपने आप यहाँ पे फिल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक नंबर आ जाएंगे अपने आप और यहाँ पे टाइम भी लगा सकते हो और यहाँ पे स्टार्ट सैम्पल टाइम भी लगा सकते हो। यहाँ पे जनरल अपने आप आ जाएगा, ट्रैक प्राइस आ जाएगी और यहाँ पे जो भी अपने आप आ जाएंगे। अगर ये ISR से कोड लेना चाहते हो तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, ये अपने आप यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कंटेंट्स वोकल्स, अगर जैसे भी वोकल्स है इसके अंदर तो उसको सेलेक्ट कर देना है, यानी कि कंटेंट्स वोकल है या वोकल सिंपल है, तो यहाँ पर नो वोकल कर रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पे पब्लिश का नाम लिख देना है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे राइटर नेम लिख देना है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम जो भी हो इस तरह यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे लिरिक्स पे कुछ नहीं करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे देख सकते हो कंट्रीज ऑफ वर्जन, तो यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी पर आपको यहाँ पे एक एक समझ में आएगा, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पे सेव ट्रैक पे क्लिक कर भर दिया। अब यहाँ पे सेव ट्रैक पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सेव ट्रैक पे क्लिक करूँगा तो इस तरह यहाँ पे अपनी फाइल बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्लिक टू अपलोड वेव, तो हमें यहाँ पे अपने सॉन्ग को वेव फाइल में बदलना है। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अपने सॉन्ग को यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करता हूँ, देख सकते हो मैंने यहाँ पे फाइल सेलेक्ट कर ली। तो उस सॉन्ग को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे अपना सॉन्ग यहाँ पे अपलोडिंग होना स्टार्ट हो गया। देख सकते हो यहाँ पे 0% यहाँ पे 2% अपलोड हो रहा है, तो इसको अपलोड होने देते हैं। तब तक जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे अपना सॉन्ग यहाँ पे 100% हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसको पूरा कंप्लीट होने देते हैं, तो ये देख सकते हो अभी प्रोसेसिंग में। आपको यहाँ पे फास्ट नेटवर्क की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, अगर आपका स्लो नेटवर्क रहेगा तो यहाँ पे कैंसिल भी हो सकता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अपलोडेड हो चुका है। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नीचे आना है फाइल्स पे, जैसे यहाँ पे वापस फाइल्स पे रिलीज पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव मेक फाइल पे क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जो भी मिस्टेक होगी आपको यहाँ पे दिखाई दी जाएगी। तो हमें यहाँ पे डेट को यहाँ पे जो यहाँ पे डेट दिख रही है वही सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी प्रॉब्लम होगी आपको वहाँ पे दिखा दी जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो ये डेट है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे 16 तारीख बता रहा था तो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सेव यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो सॉरी यहाँ पे अलग नाम डालना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे
सेव एंड मेक फाइल पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे सेव यहाँ पे मेक फाइल्स पे क्लिक करोगे तो इस तरह यहाँ पे अपना स्टोर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये डाउनलोड स्टोर है और यहाँ पे स्टीम स्टोर है, यानी कि जिस जिस को यहाँ पे सेलेक्ट करना है उसको यहाँ पे इस तरह यहाँ पे राइट कर देना है। ये यहाँ पे यूट्यूब कंटेंट आईडी, अगर यूट्यूब कंटेंट आईडी चाहिए तो यहाँ पे इसको इस तरह रखना है, अगर नहीं चाहिए तो इसको हटा देना है। मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेंड टू स्टोर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो अपना सॉन्ग यहाँ पे रिव्यू में चला गया है। तो अपना यहाँ पे जैसे इस सॉन्ग का टाइम आएगा ये अपने आप यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आपको इसी तरह यहाँ पे सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट करना है, सब कुछ इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।